आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात करेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के भी कंसेप्ट को रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आर्कियोस्पोरियल सेल्स, ये जो डिप्लॉइड सेल्स है, 2n क्रोमोसोम रखता है, और इस आर्कियोस्पोरियल सेल्स में जब पेरिक्लिनल का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ये प्लेन ऑफ डिवीजन है, इसी प्लेन में डिवाइड करना ही पेरिक्लिनल डिवीजन कहलाता है। मतलब अगर कोई सेल ऐसे डिवाइड कर रहा है और इसी प्लेन में अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो ऐसे डिवीजन को हम लोग पेरिक्लिनल डिवीजन कहेंगे। सबसे पहले ये बात समझेंगे कि आर्कियोस्पोरियल सेल्स जो डिप्लॉइड सेल्स है, 2n क्रोमोसोम है, और इस आर्कियोस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और इस आर्कियोस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होने पर इससे दो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, दो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, और एक सेल्स को हम लोग प्राइमरी पैराइटल सेल्स बोलेंगे और दूसरा को हम लोग प्राइमरी एस्प्रोजेनस सेल्स बोलेंगे। मतलब ये समझे कि आर्कियोस्पोरियल सेल्स में जब पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो उससे दो सेल्स बनेंगे, पहले सेल्स को हम लोग प्राइमरी पैराइटल सेल्स बोलेंगे और दूसरे सेल्स को हम लोग प्राइमरी एस्प्रोजेनस सेल्स बोलेंगे, और ये डिवीजन बिल्कुल माइटोसिस के ही तरह होगा, इसलिए प्राइमरी पैराइटल सेल्स में भी क्रोमोसोम 2n ही होगा और प्राइमरी एस्प्रोजेनस सेल्स में भी क्रोमोसोम 2n ही होगा। अब ये प्राइमरी एस्प्रोजेनस सेल्स जो डिप्लॉइड सेल्स है, और ये प्राइमरी एस्प्रोजेनस सेल्स में जब डिवीजन माइटोसिस होगा, मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा प्राइमरी एस्प्रोजेनस सेल्स में, तो इस माइटोसिस के परिणाम में ये प्राइमरी एस्प्रोजेनस सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स में। लेकिन यहाँ प्लेन ऑफ डिवीजन क्या हुआ, माइटोसिस है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस पोलन मदर सेल्स में और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में भी 2n ही होगा। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स जो डिप्लॉइड सेल्स है, 2n क्रोमोसोम्स है, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है या पोलन मदर सेल्स सराउंडेड होता है कैलोज के द्वारा। अब ये सराउंडेड होता है कैलोज के द्वारा, कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस फर्स्ट होगा, मान लीजिए अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है और ये कैलोज वाल है, अब कैलोज वाल में यहाँ पे मान लीजिए MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो मियोसिस फर्स्ट होने के कारण दो सेल्स बने। अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो हाफ हो जाता है। मान लीजिए इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्रोमोसोम यहाँ 2n है, तो इस ये जो दो सेल्स बने हैं मियोसिस वन के परिणाम में, तो ये सेल्स में भी क्रोमोसोम क्या होगा, ये सेल्स में भी क्रोमोसोम क्या होगा, n ही होगा। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल स्टेज हुआ, अब यहाँ पे फिर मियोसिस सेकेंड होगा, इससे भी मियोसिस सेकेंड होगा, तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे। तो इस चारों सेल्स जो बनेंगे वहां पे मियोसिस सेकेंड हुआ। अब ये बात आपको पता है कि मियोसिस सेकेंड जो होता है इक्वेशनल सेल डिवीजन है, मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए इस पैरेंट सेल्स में क्रोमोसोम n था, तो ये भी डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम क्या होगा, n ही होगा। लेकिन खास बात क्या है, ये जो चार सेल्स बने हैं आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से जो चार डॉटर सेल्स बने हैं, उस चार डॉटर सेल्स को हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। अब ये बात जानेंगे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये आपस में माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं आपस में सराउंडेड होते हैं, ये कैलोज वाल से घिरे होते हैं।
अब ये कैलोज वाल से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हैं, यहाँ पर डिवीजन मियोसिस हुआ है, इसीलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड के पोलाइवी लेवल कभी पूछा जाए कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का पोलाइवी लेवल क्या होगा, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का भी पोलाइवी लेवल एन ही होगा, क्योंकि चार सेल्स है, तो चार सेल्स, चारों सेल्स क्या है, हैप्लोइड सेल्स है, ये भी सेल्स और ये भी सेल्स, सारे सेल्स क्या है, हैप्लोइड सेल्स है, और ये चारों सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल्स जो है वो सराउंडेड है कैलोज वाल से। अब यहाँ पे ये कैलोज वाल से सेपरेट सराउंडेड है, ये चारों सेल्स को हम लोग ग्रुप में कम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, और ये टेट्राड की पोलैरिटी लेवल एन ही होता है। अब यहाँ जानेंगे कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स में जो पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था, तो वहाँ पे दो सेल्स बने थे, एक प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरा क्या बना था, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स में डिवीजन क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स में जब डिवीजन माइटोसिस होगा तो यहाँ से एक सेल्स बनेंगे, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या इसको हम लोग पोलन मदर सेल्स भी बोलते हैं, जो बाद में जाके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर डिवीजन माइटोसिस होगा क्योंकि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डिप्लॉइड सेल्स है और यहाँ पे माइटोसिस हुआ है, इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स डिप्लॉइड सेल्स है। अब इस पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब डिवीजन मियोसिस होगा तो इस मियोसिस के कारण चार जो है सेल्स बनेंगे, चार डॉटर सेल्स बनेंगे, उस चार डॉटर सेल्स को हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, और ये चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं आपस में सराउंडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अटैच टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलोज। अब ये कैलोज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जब टेप्टम जो है, ये टेप्टम्स, अब यहाँ पे कैलोज वाल को डिजोल्व करना होगा, अगर कैलोज वाल डिजोल्व नहीं होगा तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आपस में सेपरेटेड नहीं होगा, तो यहाँ पे टेप्टम का बहुत बड़ा रोल दिखा जाता है। टेप्टम यहाँ पे एक कैलेज इंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और ये टेप्टम जो है कैलेज इंजाइम प्रोड्यूस करेगा और उस कैलोज लेयर को डिजोल्व कर देगा, जिसके वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो है सेपरेटेड हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स में, जब प्राइमरी पैराइटल सेल्स में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल सेल डिवीजन होगा, ये डिवीजन याद रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा, लेकिन याद रखना जरूरी होता है। प्राइमरी पैराइटल सेल्स में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे 3-5 लेयर स्ट्रक्चर बनेंगे, 3-5 लेयर स्ट्रक्चर बनेंगे, जो लेयर का नाम है इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ये इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम जो बाद में एंथर के वाल में, एंथर के वाल के फॉर्मेशन में मदद करेगा। समझे, कोई दिक्कत? एस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहले हम समझेंगे कि माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है माइक्रोस्पोर, माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर, और हम इसको पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि इस प्रोसेस में, माइक्रोस्पोर जेनेसिस के प्रोसेस में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स।
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये सेल्स जो है डिप्लॉइड सेल्स, अब इस डिप्लॉइड सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर बनेगा। तो यहाँ पे डिवीजन गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी कभी भी गैमेटोजेनेसिस हो तो याद रखिएगा डिवीजन हमेशा मियोसिस ही होगा। गैमेटोजेनेसिस के दौरान हमेशा डिवीजन मियोसिस ही होता है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा हो रहा है थ्रू मियोटिक सेल डिवीजन, थ्रू मियोटिक सेल डिवीजन। तो मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा मतलब मियोसिस के द्वारा इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर का, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। तो प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स जो डिप्लॉइड सेल्स है इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस, माइटोसिस। तो इस प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स में जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो यहां पे एस्पोरोजेनस जेनस सेल्स और एस्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा, टिश्यू। जब प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स में जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो यहां पे जाके एक सेल्स बनेगा जिसको हम लोग एस्पोरोजेनस सेल्स और एस्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। इसीलिए यहां पे डिप्लॉइड सेल्स है, डिवीजन माइटोसिस हुआ है, इसीलिए एस्पोरोजेनस सेल्स में भी और एस्पोरोजेनस टिश्यू में भी क्रोमोजोम नंबर डिप्लॉइड ही होगा। अब ये प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स में जब डिवीजन हुआ है एस्पोरोजेनस माइटोसिस तो यहां से बना है एस्पोरोजेनस सेल्स और एस्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये एस्पोरोजेनस टिश्यू जो है कन्वर्ट हो जाएगा, लेटर इट इज कन्वर्टेड। एस्पोरोजेनस टिश्यू में या एस्पोरोजेनस सेल्स में जब ग्रोथ होगी तो इस ग्रोथ के वजह से एक सेल्स बन जाएगा जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोले। ये जो लेयर दिख रहा है ये कैलोज है और ये जो है एमएमसी। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ध्यान समझिए पहले कि प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स में जब माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो इस माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण यहाँ पे नए सेल जो बना है उस सेल्स को हम लोग एस्पोरोजेनस सेल्स या एस्पोरोजेनस टिश्यू बोलेंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स डिप्लॉइड सेल्स है, डिवीजन माइटोसिस हुआ है, इसीलिए एस्पोरोजेनस सेल्स और एस्पोरोजेनस टिश्यू में भी 2n क्रोमोजोम ही होगा। अब ये एस्पोरोजेनस सेल्स या एस्पोरोजेनस टिश्यू में जब ग्रोथ होगी तो कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है सराउंडेड होता है कैलोज के द्वारा। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे दो सेल्स बनेंगे, यहाँ पे दो सेल्स बना। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस वन हुआ है और मियोसिस वन हमेशा याद रखेंगे रिडक्शन सेल डिवीजन है,
रिडक्शनल सेल रिवीजन है, इसीलिए इस दोनों सेल्स स्टेज में, दोनों सेल्स स्टेज में जो सेल्स होगा वो हैप्लॉइड सेल्स होगा। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस वन हुआ, अब इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, तो यहाँ पे इस सेल्स में जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस वन के कारण, अब यहाँ पे डिवीजन मियोसिस टू होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड होने के कारण यहाँ पे दो सेल्स इस सेल से बनेंगे दो। तो ओवरऑल हम लोग देखें यहाँ पे चार सेल्स बने हैं, और इस चारों सेल्स को हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। तो कोई पूछे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की पोलैरिटी लेवल क्या होगी, तो याद रखेंगे क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने के कारण ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं, और मियोसिस हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड की भी पोलैरिटी क्या होगी, एन ही होगा। अब ये सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये चारों टेट्राड अभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड बोले हैं, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय कैलोज। अब ये कैलोज के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो है आपस में अभी जुड़े ही हुए हैं कैलोज के द्वारा। तो अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेपरेशन होना है, और सेपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक कैलोज रहेगा। तो अब इस कैलोज वाल को डिसॉल्व करना होगा। तो कैलोज इज डिसॉल्वड बाय कैलेज। अब ये कैलोज जो है डिसॉल्व होगा कैलेज के द्वारा, और डिसॉल्व बाय कैलेज व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड बाय टेप्टम। अब ये कैलोज जो है आपस में, जो इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को आपस में जोड़ के रखा है, तो टेप्टम यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, और ये टेप्टम जो है एक एंजाइम रिलीज करेगा जिस एंजाइम का नाम है कैलेज। अब ये कैलेज क्या करेगा, इस सारे कैलोज लेयर को डिसॉल्व कर देगा। तो इसके डिसॉल्व के कारण जो है पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेपरेटेड पोलन ग्रेन। तो हम लोग अब ये पूछेंगे, वन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस फोर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अगर मियोसिस होगा तो चार माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेंगे। लेकिन तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह क्या आएगा, फोर फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन ग्रेन ऑफ पी, हाउ मैनी आंसर छोड़ दीजिए, हाउ मैनी मियोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्स, आंसर मत दीजिए और क्या ग्रुप में बना दूंगा, आर रिक्वायर्ड। तो जब भी कभी भी मियोसिस सेल डिवीजन पूछ रहा हो और पोलन ग्रेन पूछ रहा हो,
तो हम लोग एक फार्मूला लगा लेंगे, मियोसिस बराबर नंबर ऑफ मियोटिक सेल, डिविजन निकालना हो नंबर ऑफ मियोटिक सेल डिविजन निकालना हो तो फार्मूला लगा लेंगे हम लोग एक्स वाई को, लेकिन ये हर केस में नहीं लगाएंगे, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग जनरल अभी बात कर रहे हैं और जनरल में ये होता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तो चार पोरन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 100 पोलन ग्रेन बनाना है तो कितने मियोसिस चाहिए, क्वेश्चन जनरल प्लांट पर बात कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन बराबर x बाई 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x बाई 4 तो मतलब कितने पोलन ग्रेन है, 100 बाई 4, आंसर क्या हो जाएगा 25। तो ये इस तरह की सवाल आया, अब एक्सेप्शन केस पर हम लोग देखेंगे। अब एक्सेप्शन एक केस है वो भी याद रख लेंगे, बहुत जरूरी आता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सेप्शन, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। In Cyprus plant, one microspore mother cells produced only one functional pollen grain or microspore, मतलब जब साइप्रस प्लांट की बात हो रहा हो तो साइप्रस प्लांट में हम लोग ये देखने को मिलता है कि एक माइक्रोस्पोर, अभी हम पिछले बात में सीखे थे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अगर मियोसिस होता है तो चार पोलन ग्रेन बनता है या चार माइक्रोस्पोर बनता है, लेकिन जब पौधा साइप्रस की चर्चा हो तो साइप्रस के केस में क्या होता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तो बनता तो है चार पोलन ग्रेन या चार माइक्रोस्पोर, लेकिन तीन माइक्रोस्पोर डिजेनरेट कर जाता है, इसलिए एक ही फंक्शनल पोलन ग्रेन बन जाता है या एक ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर बन जाता है। तो इस तरह के केस में अगर नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन निकालना हो तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, तो लिखेंगे क्वेश्चन हाउ मैनी मियोटिक सेल डिवीजन आर needs to produce 100 pollen grain of cypressy, ऑप्शन ए में रहेगा 25, 50, 100। तो आप लोग बना के भेजिएगा, नहीं होगा तो हम बता दूंगा।